अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर सदर थाने का घेराव किया। नारेबाजी करते हुए सदर थाने में हिंदूवादियों ने प्रवेश किया और फिर सदर थाना अध्यक्ष के चैम्बर के सामने धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने के दौरान संजय जाट को सुरक्षा दो और हुतम सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करो के नारे लगाए गए। धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने कहा कि 3 दिन पहले हुतम सिंह के खिलाफ मुकदमे के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हुतम सिंह ने महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट की जीप काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। उसके बाद सदर थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने संगठन के 2 सदस्यों को वार्ता के लिए बुलाया और उनसे उनकी समस्या पूछी, जिसके बाद सभी को समझाया और कहा कि इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। इस बीच काफ़ी देर तक सदर थाना अध्यक्ष और हिंदूवादियों के बीच वाद विवाद चलता रहा। हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी पुलिस के आला अधिकारियों से यही पूछते रहे कि आखिरकार संजय जाट की जीप काटने वाले हुतम सिंह के खिलाफ आखिरकार FIR दर्ज क्यों नहीं हुई है। आज मैं इतना टेंशन में आ गया था कि मैंने आत्महत्या करने की भी सोची, मैंने आत्महत्या कर लूं। मैंने अनाउंस भी किया, DCP महोदय ने मुझसे वार्ता करी, SP City आगरा ने महोदय ने और DCP ने बात करी मुझसे और मुझे आश्वासन दिया कि हमने आपकी जांच पर कार्रवाई हो गई है और इसमें चुनाव आयोग के हैंडों में मामला रहता है। राजनीतिक पार्टी चूँकि सबसे बड़ा महापर्व है चुनाव आयोग, तो उसकी भी थोड़ा मान सम्मान हम लोगों को रखना चाहिए। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद अगले 24 घंटे में मुकदमे की हमसे उम्मीद की गई है कि 24 घंटे में उसके खिलाफ मुकदमा कर उसको जेल भेजा जाएगा। अगर यहाँ से 24 घंटे मुकदमा नहीं लिखा गया तो हम बड़े अधिकारी जिलाधिकारी महोदय अथवा कमिश्नर साहब इनके घर पर हम लोग बैठेंगे, लेकिन मुकदमा हम लिखवा कर मानते हैं। इसके बाद थाना अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी, जिस पर हिंदूवादियों का आक्रोश शांत हुआ। हिंदूवादियों ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो फिर उग्र आंदोलन होगा। इस पूरे मामले को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट का कहना था कि हुतम सिंह ने सौम्य प्रसाद मौर्य पर जूता मारने वाले और मेरी जीप काटने वाले के लिए 11 लाख रुपये का इनाम घोषित किया है। इस घटना के बाद से वह भयभीत है। हुतम सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए वह लगातार कई थानों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई है। उन्हें अपनी जान का डर है कि कहीं उनकी हत्या ना हो जाए। इस पर हमें सख्त आपत्ति है और इस आपत्ति के माध्यम से हम आज इंस्पेक्टर साहब से मिले, सदर साहब से। पिछले 3 तारीख से लगातार ये हो रहा है कि इंस्पेक्टर ढोकी कहते हैं कि साहब मेरे यहाँ से वीडियो वायरल नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर फतेहाबाद कहते हैं कि मेरे यहाँ जूता फेंका, मैंने कार्रवाई कर दी। इंस्पेक्टर सदर कहते हैं ये मामला मेरे यहाँ का नहीं है। तो क्या ये तीनों थाने की पुलिस मिलकर संजय जाट की हत्या का इंतजार कर रही है? ऐसा हम ये अपराध पुलिस के द्वारा नहीं होने देंगे। आज हमने इंस्पेक्टर साहब से कह दिया है आप कहीं भी रिपोर्ट भेजो, ACP साहब को भेजो, DPC साहब को भेजो, कमिश्नर साहब को भेजो, मुख्यमंत्री को भेजो। अगर इस बीच में संजय की हत्या हो गई तो फिर इसकी कीमत भी इन उदासीन अधिकारियों को अपने स्तर से चुकानी पड़ेगी। और अगर 24 घंटे के अंदर हमारी मांग है, स्पष्ट मांग है कि जब तक FIR नहीं हो रही है तब तक संजय जाट की सुरक्षा के लिए 2 पुलिस के कर्मचारी बिल्कुल ऐसे सशक्त रखे जाएं जब तक भी FIR नहीं होती है। और हुतम सिंह निसार न संवैधानिक रूप से संविधान का मजाक उड़ाया है, ऐसे किसने ये अधिकार दिया? ये भारत देश है, ये कोई ऐसा कानून, ये देश संविधान से चलता है। ये इस्लाम परस्त देश नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, ये देश भूटान नहीं है, अरब इराक नहीं है, ये देश के संविधान से चलता है। ऐसा फतवा जारी करने वाले लोगों को पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो मैं गोपाल सिंह चाहर अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ इस संगठन का सहयोग करूंगा और कमिश्नर साहब की गाड़ी के आगे जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, फिर तीनों इंस्पेक्टर की आर्थिक उतरेगी, इस बात की गारंटी है। इस संबंध में हिंदूवादी संगठन से जुड़े गोपाल सिंह चाहर का कहना था कि कोई हमारे हिंदू देवी देवता को गाली दे और हम उसे जूता नहीं मारे, ऐसा हो नहीं सकता।
संगठन के पदाधिकारी ने सौम्य प्रसाद मौर्य के साथ जो किया वह बिल्कुल ठीक था। पुलिस ने उस युवक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर दी जिस पर मामला शांत हो गया। लेकिन हौतम सिंह ने वीडियो वायरल कर संजय जाट की जीप काटने पर जो 11 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है वह एक अपराध है। उससे बड़ा अपराध यह भी है कि पुलिस उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही जिससे आरोपी खुलेआम घूम रहा है। मुन्यूज़ के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।